नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का आखिरकार ऐलान हो गया। आशा नौटियाल बीजेपी से तो मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन क्या इन दोनों प्रत्याशियों का खेल कोई बिगाड़ेगा, ये एक अलग आकलन है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने एक नई परंपरा जो शुरू की थी उस परंपरा को क्यों तोड़ दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले पिछले 5 वर्षों में 5 उपचुनाव हुए हैं और उन 5 में से, उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, 5 में से 4 बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी ने दिवंगत विधायक के परिजन को ही टिकट दिया, लेकिन केदारनाथ में ऐसा करने से बीजेपी ने परहेज किया। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन 5 विधायकों के नाम बता दूं जो बीजेपी के दिवंगत हुए थे और उनके परिजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। प्रकाश पंत साहब का देहांत 2019 में हुआ था और उनकी पत्नी चंद्रा रावत को बीजेपी ने उपचुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीती, उसके बाद विधानसभा का टिकट भी दिया जिसमें उनकी हार हो गई। पार्वती दास बागेश्वर से चुनाव लड़ी थी, चंदन रामदास साहब की ये पत्नी थी और चंदन रामदास के निधन के बाद पार्वती दास को टिकट दिया, इनकी जीत हुई थी। थराली से मुन्नी देवी को टिकट दिया गया था और मुन्नी देवी की भी उपचुनाव में जीत हुई थी, ये भी एक घोषित तथ्य है। हरवंश कपूर साहब का देहांत हो गया था और उनकी पत्नी को विधानसभा का टिकट दिया 2022 का, उपचुनाव नहीं कराया क्योंकि समय काफी कम था उपचुनाव, और अगर कराते तो सीधा विधानसभा में जा रहा था उत्तराखंड, लेकिन सविता कपूर को टिकट दिया जबकि भारी भरकम नेताओं की फौज देहरादून कैंट क्षेत्र में थी। उन राजनीतिक व्यक्तियों को किनारे करके सविता कपूर को बीजेपी ने टिकट दिया था। एकमात्र अपवाद है उत्तरकाशी का गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र, जहां गोपाल रावत का निधन हुआ था और उनके परिजनों को टिकट नहीं दिया था, वहां से सुरेश चौहान को टिकट दिया गया था और सुरेश चौहान वहां से जीत गए थे। अब बात करते हैं केदारनाथ में बीजेपी ने ऐश्वर्या पर भरोसा क्यों नहीं किया, जबकि जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, प्रकाश पंत साहब की पत्नी चंद्रा पंत, वो मूल रूप से शिक्षक थी और राजनीति में कोई दिलचस्पी उनकी नहीं थी। ऐसे ही मुन्नी देवी भी राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होती थी, पार्वती दास भी सक्रिय नहीं होती थी और सविता कपूर भी बहुत सक्रिय नहीं होती थी। अब चूंकि राजनीतिक परिवार से हैं तो राजनीति तो जानते ही होंगे, सीखी भी होगी, थोड़ी बहुत आ भी जाती है समझ, लेकिन वैसी राजनीति नहीं करते थे जैसे उनके पति किया करते थे। लेकिन ऐश्वर्या के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मां के राजनीतिक कामों को बहुत करीब से देखा करती थी और माफ कीजिए, खुद भी जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियों में वो जुटी हुई थी। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया और बाकी के लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था। अब इसकी सीधी वजह यह है कि शैला रानी रावत मूल रूप से बीजेपी की कैडर की नहीं थी, वो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। तो पहला नेगेटिव पॉइंट ऐश्वर्या के लिए यह था कि मूल रूप से वो कांग्रेसी परिवार था और जब कांग्रेस में 2016 में टूट हुई थी तो ऐश्वर्या की मां शैला रानी बीजेपी में आ गई थी, इसलिए शायद ये रहा। अब आशा नौटियाल के बारे में यह है कि आशा नौटियाल 2 बार तो बीजेपी की विधायक रही, 2002 में 2007 में, लेकिन 2012 में हार हो गई उनकी और 2017 और 2022 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय की हैसियत से लड़ा और गच्चा वो खा गई और उसके बाद आखिर में वो अपनी मूल पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में उनकी साख शायद पहले से ही थी, इसलिए बीजेपी ने पहले तो उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और अब की बार उन्हें टिकट दे दिया। अब ये आशा नौटियाल के पक्ष में चीजें जाती हैं कि वो बीजेपी की थी, हालांकि बीजेपी से 2 बार उन्होंने बगावत करी। तो क्या बीजेपी का काम आशा नौटियाल के बगैर केदारनाथ में नहीं चल सकता था, जबकि कुलदीप रावत बीजेपी में पहले ही आ गए थे और कुलदीप रावत चुनाव लड़ने का डंके की चोट पर ऐलान कर चुके थे। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर बीजेपी में खूब मंथन हुआ और बीजेपी दबाव में नहीं आती, जैसा मैंने पहले ही बताया था। एक छोटा सा मैं आपको
नंबर देता हूं, हालांकि एक विस्तार से रिपोर्ट हम इस पर पहले तैयार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आशा नौटियाल को 2017 के विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट की हैसियत से 12,000 वोट मिले थे और 13,000 से ज्यादा वोट कुलदीप रावत को मिले थे, यानी 2017 में निर्दलियों के खाते में 25,000 वोट चले गए थे और 2017 में ये सीट कांग्रेस के पास आ गई थी। 2017 यानी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी केदारनाथ में, जहां उत्तराखंड सरकार का पूरा ध्यान था, आपदा के बाद कांग्रेस सरकार थी, हालांकि 2014 से 2017 तक, 13 से 17 तक, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो केंद्रीय इकाई थी और जो केंद्र सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खास तौर पर केदारनाथ को देखा करते थे, फिर भी बीजेपी की हार हो गई। शैला रानी उस चुनाव में लड़ी थी बीजेपी के टिकट पर, उनको 11,500 वोट मिले थे, वो भी हार गई थी, मनोज रावत जीत गए थे। प्रचंड लहर में केदारनाथ में खूब काम करने के बाद आशा नौटियाल के बगावती तेवर के कारण बीजेपी हार गई थी। 2022 में शैला रानी जीत गई, लेकिन बगावती तेवर कई लोगों के जारी थे, कुलदीप रावत भी उनमें से एक रहे हैं और आशा नौटियाल भी, लेकिन इस बार बीजेपी की यह प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि एक उपचुनाव हुआ बद्रीनाथ का और मंगलौर का, मंगलौर तो छोड़ दीजिए, वहां पर तो बीजेपी पहुंच गई थी जीत की दहलीज पर, जो उसकी सीट नहीं थी, लेकिन बद्रीनाथ में बीजेपी चुनाव हार गई थी और बद्रीनाथ एक प्रतिष्ठा की सीट मानी गई। हालांकि 2022 के चुनाव में खुद महेंद्र प्रसाद भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बद्रीनाथ की सीट राजेंद्र भंडारी से हार गए थे और राजेंद्र भंडारी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल करा लिया गया और राजेंद्र भंडारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए, जबकि उससे पहले कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीत गए थे। तो अब बीजेपी के ऊपर एक दबाव था कि बद्रीनाथ के बाद अगर वो केदारनाथ भी हार जाएगी तो अनावश्यक रूप से उस पर एक दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए कैडर पर भरोसा उन्होंने किया है। अब ये कैडर आशा नौटियाल है जरूर, लेकिन आशा नौटियाल दो बार बगावती तेवर दिखा चुकी है, लेकिन वापस आके वो प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा अगर बनती है तो इससे अंदाजा लगता है कि पार्टी के भीतर उनकी कोई ना कोई अच्छी पैठ है, उनके शुभचिंतक मौजूद हैं। और बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश इस टिकट के जरिए की है कि यह संदेश ना जाए कि पार्टी कैडर के बाहर का व्यक्ति पार्टी में शामिल होता है टिकट के लिए और वह चुनाव लड़ता है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। और यह तर्क बद्रीनाथ के उपचुनाव में कई बार दिए गए कि राजेंद्र भंडारी बीजेपी कैडर के नहीं थे और उन्हें टिकट दिया गया तो वो चुनाव हार गए, और ऐसा केदारनाथ क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि मैदान खुल चुका है, आंकड़े आपके सामने मैंने रखे हैं, पुरानी स्टोरी में भी पूरा विस्तार से हमने जिक्र किया है, देखना यह होगा कि इस बार तस्वीर किस दिशा में आगे बढ़ती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।